नीमराणा में कृष्ण रावर में 4 फरवरी शाम 6 बजे गोली मारकर ज्वेलर्स को लूटने के मामले में शामिल बदमाश अर्जुन गुर्जर को पुलिस ने बुधवार देर रात हरियाणा के फरीदाबाद में एनकाउंटर कर मार गिराया। अब पुलिस ने अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए भी धर पकड़ तेज कर दी है। नीमराणा में हुई ज्वेलर के यहां लूट की वारदात के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि पुलिस को अंदाजा था कि भिवाड़ी की हरिया गैंग द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हरिया गैंग द्वारा रेवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में अनेक संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। इसे लेकर राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों के लिए सिर दर्द बन चुकी हरियाणा गैंग से निजात पाने के लिए मिलकर कार्यवाही करते हुए नीमराणा में शामिल अपराधियों की धर पकड़ के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया। अलवर पुलिस के अनुसार अर्जुन हरियाणा के फरीदाबाद में छुपा हुआ था। फरीदाबाद में ही हरिया गुर्जर को कई बार देखा गया। पुलिस का मानना है कि गैंग के सरगना हरिया गुर्जर का ठिकाना फरीदाबाद में ही था और उसकी गैंग के बदमाश भी वहीं उसके पास जा रहे थे। अलवर और हरियाणा पुलिस 3 दिन से गैंग के पीछे लगी थी। वहीं लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई ब्रेजा गाड़ी की लोकेशन पुलिस लगातार ले रही थी, जो किशनगढ़ बास कोट कासिम होते हुए हरियाणा की तरफ चली गई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मृतक बदमाश के गांव ती गांव के पास ब्रेजा कार को घेर कर फायरिंग की। गाड़ी में 4 बदमाश सवार थे, जिनमें से 3 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए और अर्जुन गुर्जर के गोली लगने से मौत हो गई। गौरतलब है कि 4 फरवरी को नीमराणा में करीब 4 बदमाशों ने ज्वेलर्स को लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान 2 लोगों के पैर में भी गोली लग गई थी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात में लुटेरे लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए थे।